आज यानी कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस है। आज के हालात में सबसे बुरे हाल अगर किसी के हैं तो वो मजदूर के ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो मजदूर का हुआ है, जिसकी रोजी रोटी भी छिन गई है। विश्व मजदूर दिवस के दिन हमने जब मजदूरों का हाल जाना तो उनका यही कहना था कि कोरोना से मरे ना मरे लेकिन वे भूख से ज़रूर मर जाएंगे। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों से मजदूर यहां मजदूरी के लिए आते हैं। बड़ी तादाद में खनन कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भवन निर्माण में भी बड़ी संख्या में यहां मजदूर काम करते हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने मजदूरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मजदूरों के हितों की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार के दावे भी धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी के अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास हर रोज मजदूरों की मंडी लगती है, जहां से ठेकेदार अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मजदूर लेकर जाते हैं। लेकिन इन दिनों मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो अपना परिवार भी नहीं पाल पा रहे। मजदूरों का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि आज विश्व मजदूर दिवस होता है। वह तो सुबह से शाम तक अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद। रिपीट। मजदूरों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि आज विश्व मजदूर दिवस होता है। वह तो सुबह से शाम तक अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में उनके लिए कोरोना इतना घातक नहीं जितना उनको काम ना मिलना है। मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी से मरे ना मरे लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो वे भूख से ज़रूर मर जाएंगे। सर हमें पता नहीं मजदूर दिवस है क्या है, मगर हम लोग जो है काम धंधे से बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है सर ना, मगर बस दिक्कत यही है कि हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। हमारे बच्चे सर भूखे मर रहे हैं। हल्द्वानी में परेशानी बहुत हो गई है लेबर के लिए। कोरोना का खतरा तो चल रहा है सर, कोरोना से तो आदमी नहीं मरेगा मगर भूखा प्यासा मर जाएगा। और ज़्यादा दिन और अगर ये रहा ऐसी हाल तो आपस में काट के मर जाएगा एक दूसरे को, या फिर नीली छतरी वाला मार डालेगा इनको। कब से है बैठे रोजगार ये? यहाँ सर रोज़ आ रहे हैं हम, डेली यहीं आते हैं हम लोग। यहाँ से 1 दिन काम मिल जा रहा, 8 दिन 10 दिन हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। सर हमें तो पता नहीं आई मजदूर दिवस है, हम मजबूर हैं काम करना है। सर बहुत परेशानी हो रही है, आप हमारी मदद करिए। इस टाइम लेबर बहुत परेशान है, हल्द्वानी में काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ हल्द्वानी में लेबर चौक लगती है, पर परेशानी बहुत है लेबर के लिए। अगर एक काम अगर सर सुबह को आता है तो 50 यूनों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कभी भी हमारी लड़ाई होती है, कभी हम किसी गाड़ी के नीचे सर आ सकते हैं। हमें सर कम से कम 250 मजदूर आते हैं, 300-250 सर मजदूर आते हैं। वो बेचारे ऐसे ही चले आते हैं, मजदूर है अभी लोगों के पास टिफिन है, खाने के भी बैठे में, रमजान भी चल रहा है। सर सर हमारी मदद करिए सर, कोरोना काल में तो दिक्कत है सर, पर हम अपनी जान पे खेल के सर फिर भी हम काम करते हैं सर। हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है सर, हमारी मदद करिए। अब काम की बहुत ही दिक्कत है और जो है घर का खर्च पानी जो है हमारा आड़े आ रहा है और काम मिल नहीं रहा है। कितने लोग यहाँ आते हो? यहाँ 400-500 आदमी यहाँ पे डेली खड़ा होता है और काम की बड़ी दिक्कत है। हमें आप लोगों से, आपके पत्रकार के उससे हमें सरकार से जो है सहायता चाहिए। परिवार को पालने में दिक्कत है? बहुत दिक्कत है साहब। मजदूरी मिल रही है? मजदूरी मिलती है, जो शाम को सुबह को ले आता है शाम को नकद पैसे देता है।